इमरान खान के रास्ते में रुकावट सिर्फ ये लड़की बन रही है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मैं काफी नर्वस भी हूँ क्योंकि आज है 8 फरवरी, इलेक्शंस का दिन है और वोट कास्ट करने के लिए मुझे जाना है। तो सबसे एक्साइटेड बात जो है वो ये है कि मेरी लाइफ का ये पहला वोट है और मैं बहुत इस चीज़ पे प्राउड फील करती हूँ कि मेरा पहला वोट जिंदगी का मैं इमरान खान साहब को के लिए जो है वो कास्ट करूँगी। मगर यही नहीं, एक और भी हमारे साथ यहाँ पे मसला आ जाता है, वो ये कि मैंने और मेरे फैमिली मेम्बर्स में किसी ने भी अब तक अपना एड्रेस चेंज नहीं करवाया था लाहौर शिफ्ट होने के बाद। तो हमारा जो होम टाउन है वहीं पे हम लोगों को वोट कास्ट करने दिया जाएगा, यानी कि मुझे अब जाना है फैसलाबाद। फैसलाबाद जाना इशू नहीं है, फैसलाबाद जा रहे हैं इंशाल्लाह, खान को पूरी सपोर्ट है। मेरा, शुमाइल का और पापा का जो वोट है वो हम लोग फैसलाबाद में, हमारा पोलिंग स्टेशन बना है। और दूसरी तरफ पे मेरे जो भाई हैं दोनों और मेरी अम्मा और मेरे दोनों भाई का चिनियोट में बना हुआ है पोलिंग स्टेशन, क्योंकि मेरी अम्मा ऑब्वियसली चिनियोट की थी और अब्बा फैसलाबाद के, तो वो आधे आधे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हम लोगों ने पहले बड़ा डिसाइड किया, सोचा कि हम लोग अलग अलग जाएं, हम क्या करें, फिर हमने सोचा कि एक साथ ही चलते हैं, इंशाल्लाह टाइम मैनेज हो जाएगा, पहले हम लोग फैसलाबाद जाएंगे। हमने एक ही दिन में दो शहर जाना है सिर्फ और सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए, पर कहीं भी जाना हो स्किन केयर तो बहुत मस्त है। तो मैंने अभी बात करते हुए विटामिन सी लगाया था, अब मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ क्योंकि ना मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मैं ना ही धूप बर्दाश्त कर सकती हूँ ना ही कुछ और, तो मुझे पूरी स्किन को प्रेप करके ही जाना पड़ेगा। और आज मैं चाह रही हूँ कि मैंने ट्रैवल करना है तो मैं ज़रा कुछ कंफर्टेबल सा पहनूँ, सिंपल सा। मैं और मेरे घर वाले हम लोग शिद्दत से जाते हैं इमरान खान साहब जीते। मैंने बस स्किन केयर थोड़ी सी किया, मैं नाश्ता कर लूँ सबसे पहले क्योंकि उसके बगैर मुझसे कुछ होता नहीं। मैं तो फैमिली खाती हूँ, मुझे उलझन होने लगती है और आज तो मैं ना बहुत परेशान हूँ। बस मैं चाह रही हूँ कि जब हम ये व्लॉग एंड करें ना तो मैं बहुत खुश हूँ और तब जो है फैसला आ चुका और सब अच्छा अच्छा होगा। जैम ले आओ, बटर भी ले आना। तो मुझे पता नहीं था मैं इतना अच्छा नेल पेंट लगा लूंगी। मैं ना सब कुछ ही ले आई हूँ, इतना मग मैं चाय का पीने लगी हूँ क्योंकि जब भी ट्रैवल करना होता है चाय मेरे लिए बहुत जरूरी होती है। वालिद के आ रहे हैं कुछ सिग्नल्स। ये ड्रेस है जो कि प्रेस होके आ चुका है, ये मैं पहन रही हूँ और प्रेस होके नहीं बल्कि कल ही स्टिच होकर आया है। कल मेरे सारे कपड़े स्टिच होकर आए जो मैंने यहाँ पे ट्राई करके ऐसे ही छोड़ दिए हैं हुए हैं। और मतलब पेमेंट सब बाद में दिखाऊंगी, अरे टाइम नई चीज आ जाए वो पहनने लगो आप तो एक खुशी अलग होती है। 2000 years later. और यहाँ मैं रेडी हो गई थी फैसलाबाद जाने के लिए, हम निकल चुके हैं। रास्ते में तबीयत खराब हो जाती है ट्रैवल से, बोलती है बहुत बुरा। जल्दी कर लो यार, अब उसे शदीद वॉमिट हो रही है और हम लोग अभी मोटर वे पे, मैं यहाँ पे रुकी हूँ और हम बस जल्दी से वेट कर रहे हैं कि ठीक और हम लोग वापस चले। मैंने अपने हील्स गए, उसके बाद हम लोग रेस्ट एरिया पे बस पेट्रोल डलवाया, फिर हम लोग ये फैसलाबाद अब पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मैं बस वोट डालने के बाद मिलती हूँ। Half hours later. हम इतनी स्पीड में जा रहे थे क्योंकि मुझे वो डलवाते हुए फैसलाबाद में बहुत लेट हो गया था। अब आप टाइम देख सकते हैं कि हमें किस टाइम पे हमने चिनियोट पहुंचना है, कैसे करना है सब। 2 hours later. हम सब ने तो वोट डाल दिया है और शुमाइल ने भी वोट डाल दिया है और आज पूरा दिन इतना हिला देने वाला था, इतनी थकावट, इतना सर दर्द है। बस कुछ खाने की चीज़ें लेने के लिए मेट्रो उतरी थी रास्ते में, तो फैसलाबाद में चिनियोट से गुजरते हुए मेट्रो आता। अब हम लोग जा रहे हैं, बस अब्बा को पिक करना है उनके पोलिंग स्टेशन के बाइक से और उसके बाद फ़ौरन कहीं से फैसलाबाद में किसी अच्छे से होटल से कहीं से कुछ हम किसी अच्छी जगह से हम खाना खाते हैं ताकि सुकून आए, क्योंकि बहुत भूख लगी है, सर चकरा रहा है, सर फटने वाला हो रहा है, पूरा दिन हमारा एक अफरा तफरी में आया। आज A few moments later. गए थे ना वहाँ पे, कोई बोला भी है अली ना। अब हम पहुँचे हैं खाना खाने के लिए, बुरा हाल हो गया सबका। चलो हम लोग आए हैं सिल्वर स्पून, सारा
हालत हो गई है पूरे दिन के निकले हुए कसम से। एफर्ट की है ना वो डालने के लिए, ये याद रहेगा। मुझे तो मेरी जिंदगी का पहला वोट था, मुझे तो याद रहेगा। सबका ही पहला वोट था बेटे, आप लोगों का पहला था आपकी अपनी गलती की वजह से। मेरा की वजह से ये था काबिल ही अभी हुई। उस वक्त ऑप्शन ही नहीं कोई होता था। हाँ पिछली बार मेरा आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ था भाई। सैनिटाइजर नहीं किसी के पास। अभी तो फिलहाल हमारी खुशी दिन तहार है। हेलो तो ले लो। तो खाना हम खा चुके हैं, अब तक हमारा टाइम बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि शुरू में तो बहुत ज़्यादा पूरा दिन हमारा जल्दी में गुजरा था, जो कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई। हमें इतनी जल्दी में शहर से शहर बदल के हमें वोट कास्ट करने थे क्योंकि हम तीन लोगों के फैसलाबाद में पोलिंग स्टेशन थे, तीन लोगों के चुनी वोट में थे और टाइम मैनेज करना सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। और फिर सबसे बड़ी मुसीबत जो आई नेटवर्क पर, और आपको इतना मसला होता है ना शुमार में, कितना मसला होता है, हमें इतना मसला हुआ, हम किसी से कॉल नहीं कर पाए थे, कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे और कोई मशवरा नहीं कर पा रहे थे कि कोई कहाँ पे नहीं। हमने पापा का फैसला छोड़ा, हम लोगों ने मैंने शुमार अलग पॉडकास्ट किया, फिर हम लोग वहाँ पर चुनी वोट गए, पापा का कोई पता नहीं था वो फैसला में कहाँ है किस जगह। हम लोग इतना कन्फ्यूज से फिर थे कि हमारे फोन्स नहीं चल रहे। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया इंशाल्लाह। फिर अभी तक जो भी यहाँ पे न्यूज़ चल रही थी ना वो यही चल रही थी कि इंडिपेंडेंट आ गए, जितनी भी मतलब न्यूज़ अभी चल रही थी। मेरी दुआ है कि बस जब ये कल आप सब ब्लॉग देखें और मैं भी जब ये मूव करूँ तो फिर इमरान खान साहब भी वो जीत चुके, जीत हमारी हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने बहुत एफर्ट की। मेरा तो सर फट जाएगा। हम लोग वापस लाहौर के लिए निकल रहे हैं और ये मुझे आज मेरा आउटफिट नज़र आया। सुबह भी घर आई हूँ, सबसे पहले मुंह हाथ धो के फिर मिलती हूँ एक मिनट में। इंटरनेट नहीं था तो कुछ भी पता नहीं चल सका, मुझे भी कुछ भी नहीं पता। मैं न्यूज़ चैनल ऑन करने लगी हूँ। मच लेटर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हिमायत याफ्ता शानदाना गुलजार साहिबा 71 वोट हासिल किए हैं शानदाना गुलजार साहिबा ने और उनके मद्दे मुकाबिल एएनपी के जैन उमर अरबाब। सो रात में मैंने टीवी ऑन किया, मैं और शुमाइल बेड पे लेटे हैं, हम लोग न्यूज़ देखने लगे। हमारी विद इन 5 मिनट्स मेरी तो आँख लग गई, फिर उसने कहा कि मैं भी सो गई थी। मैं सुबह उठी तो फुल वॉल्यूम में टीवी ऑन था और हम कितने थके हुए होंगे, कितनी हमें नींद आई हुई होगी क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठे हुए थे। हम लोग सोते ही रहे और मैं सुबह जब मेरी आँख खुली है 4 या 5 या 6 बज रहे थे शायद, तो तब टीवी फुल चल रहा है और हम लोग ऐसे ही सो गए। और अभी तक कोई फैसला नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतना स्लो इस बार काम क्यों हो गया। वरना मैंने तो सोचा था कि मैं रात को ही ब्लॉग एंड करूँगी, रिएक्शन लूँगी कि सबका कि क्या हुआ क्या नहीं। वेट कर सकते हैं और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह दुआ ही कर सकते हैं कि जो भी हमने वोट डाला है वो रायगा ना जाए और अच्छा हो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए भी। ये भी पड़ी हुई ना, बस वेट कर रही है कि जो है क्या फैसला आता है और बहुत इतनी बेचैनी हो रही कसम से। Much later. So, 2 दिन तो हमें इसी इंतजार में लग गए कब रिजल्ट आएगा और लेकिन इलेक्शन का कोई रिजल्ट नहीं है। 3 दिन हो गए, आज मेरे ख्याल से 3रा दिन है और कुछ नहीं पता कि क्या है। वो PMLN के ज्यादा हो जाते, कभी इंडिपेंडेंट वाले ज्यादा हो जाते, फिर इंडिपेंडेंट वाले भी उनका भी कोई पक्का ईमान नहीं है, कुछ नहीं पता, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। वही बात होगी कि पता ही नहीं चलता हम नए पाकिस्तान में इंटर हुए या नहीं, अंदर बाहर हो गए। मैंने भी देखी थी, तो सोचा था कि मैं रिजल्ट्स अब जब आ जाएंगे उसके साथ भी ब्लॉग को एंड करूंगी, लेकिन वो होने में ही नहीं आ रहा। पता नहीं अभी ब्लॉग कितने दिन लगेंगे क्योंकि पाकिस्तान है, अजीब यहाँ के रूल्स हैं और रेगुलेशन है, तो मैं यहीं पर ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। वो तो जब अब होगा रिजल्ट, पता नहीं किस सदी में आएंगे तो फिर देखी जाएगी। तो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा।